हेलो फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ दासर, आप लोग देख रहे हैं फैमिली टेंस। तो आज एक नंबर लेकर हाजिर हूँ जो कि मेरे पास सोनी का होम थिएटर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है गाइस, तो इस पर हम किस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस पर कंप्लीट मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो इसका फॉल्ट जो है हमारे, जब हम इस पर स्टैंड बाई करते हूँ यहाँ पर, तो स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है हमारा। ठीक है गाइस, स्टैंड बाई रिलीज हो जाता है जब हम यहाँ पर पेनड्राइव लगाते हूँ। अभी तो ये ब्लूटूथ मोड आ गया है क्योंकि इसको मैंने मॉडिफिकेशन ऑलरेडी करके रखा हो। ठीक है, जब यहाँ पर मैं पेनड्राइव लगाता हूँ वो पेनड्राइव भी शो करता है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो मेन फॉल्ट है वो फॉल्ट क्या है आप लोगों में यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो कि इसमें मेन फॉल्ट है आपका। जब यहाँ पर मैंने पेनड्राइव लगाता हूँ, पेनड्राइव लगाने के बाद क्या होता है, ये कनेक्ट अगर हो जाता है, पेनड्राइव का जो प्ले है वो हो रहा है ऑलरेडी, गाना गाना सब कुछ बाज रहा है, लेकिन हमारा जो ऑडियो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है, और मैंने किस तरह से इसको रिपेयर किया हो और किस से मॉडिफाई किया हो किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड हमारा ख़राब हो चुका है, जो कि हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब उसमें ऑडियो जो है वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोनी का। ठीक है, तो सोनी का हमको मार्केट में मिलने वाला है नहीं गैस, और ये कस्टमर सर्विस सेंटर में लेके नहीं जाएगा, तो हम लोग का फिलहाल आसपास सर्विस सेंटर भी नहीं है, तो इसको हमने किस तरह से मॉडिफिकेशन कर दिया और ये काफ़ी अच्छे से बाज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन अभी चेंजेस हो रहा है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन चेंज नहीं करेगा और ये काम नहीं करेगा, सिर्फ हमारे ये पावर ऑफ ऑन के साथ में ही ये काम चलेगा। ठीक है, और बाकी अगर आप अगर यहाँ पर स्विच काम कराना चाहते हो तो बहुत पर यहाँ पर काम अगर होगा, तो मैंने इस तरह से किस तरह से इसको मॉडिफाई किया और किस स्टाइल से मॉडिफाई किया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, हमने फिलहाल इस USB किट को यूज़ करके रखा हुआ फिलहाल। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ मोड में भी चलेगा आपका, FM मोड में भी चलेगा, पेनड्राइव में भी चलेगा, ऑक्स में भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो सामने का प्रोसेस तो मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया हो, तो पीछे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। फाइनली प्रोसेस आपको यहाँ पर ही होने वाला है, जो कि आपको मॉडिफिकेशन करेंगे, जो इसको सप्लाई देने के लिए हमको फिलहाल 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस बोर्ड में 5 वोल्ट हमारे पास नहीं है कहीं पर, और बाइक अगर होगा भी मैंने ढूंढा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 वोल्ट एक रेगुलेटर है, इस 8 वोल्ट के रेगुलेटर से आपको क्या बोलना है, 5 वोल्ट की जो 7805 रेगुलेटर है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने इस प्रकार से करके रखा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन करके रखा हूँ, यहाँ पर हमारा 8 वोल्ट पहुँच रहा है और यहाँ से मैंने 5 वोल्ट रेगुलेटर लगा के यहाँ से 5 वोल्ट हमने आउट कर लिया हूँ, जो कि इस मेमोरी कार्ड के लिए है गाइस। तो इसके तो हो गया, और इसका जो RL है, इसका RL है, तो इसका RL को हमको इस बोर्ड में तो देना पड़ेगा, तभी आपका RL जो है वो गाना जो आएगा, नहीं तो गाना तो नहीं आएगा गाइस। तो इसके लिए आपको और एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर एक IC होता है जो कि आपका चेंजेबल IC होता है, मतलब इसको मोड को चेंज करता है, मतलब आपको अगर आप समझ लीजिए मेमोरी में फंक्शन ट्रांसलेट होता है IC से, और मतलब IC से एम्पलीफायर होता है ट्रांसलेट, तो सामने का बोर्ड के इसको ट्रांसलेट करता है, यहाँ पर देता है और ये आउटपुट को जो है और कन्वर्ट करता है, मतलब स्विचिंग का काम करता है, एक जैसे आपके समझ लीजिए ये स्विचिंग का काम करता है, किस तरह से एक बार आपको यहाँ से ऑडियो लेगा और दूसरे बार आपका यहाँ से ऑडियो लेगा, DVD से ऑडियो लेगा और एक बार आपका ऑक्स से ऑडियो लेगा, तो इस प्रकार से ये चेंजेस होता रहता है, और चेंजेस का काम कौन कराता है, सामने का पैनल से होता है और इसको डाटा से सिग्नल भेजता है, तो ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा था, लेकिन हमारा जो सामने का प्रोसेस है वहाँ से तो ऑडियो निकाल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी ऑडियो निकल नहीं रहा था हमारे इस पर, तो हमने क्या हुआ, इस IC को जो ये IC को ऑलरेडी मैंने खोल दिया हूँ, इस IC को खोलने के बाद हमने यहाँ पर कनेक्शन किया हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, आप कनेक्शन दीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, आपका इस प्रकार से फॉल्ट आ भी सकता है और आएगा भी, क्योंकि इस प्रकार से फॉल्ट आता है ऑलरेडी। ये हो गया ग्राउंड, RL का जो ग्राउंड है, और यहाँ पर मैंने इसको RL दे दिया हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को RL है हमारा ऑडियो का, तो यहाँ पर आप इसे छोड़ लीजिए और कितना नंबर पिन है आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ, आपको यहाँ पर देखना है और इसी हिसाब से कनेक्शन करना है, तो भी आपका दोनों स्पीकर बजेगा, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड स्पीकर जो है वो बजेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कनेक्शन होगी और बेस भी हमारा काफ़ी तरह से अच्छे से बज रहा है। ठीक है गाइस, तो मैंने इतना छोटा सा वीडियो बना के रखा हुआ, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो मैंने इसको एक बार पावर ऑफ ऑन करके देता हूँ, तो मैंने इसका पावर ऑफ कर दिया, ये ऑन हो गया, ऑन हो गया, मतलब यहाँ पर स्टैंड बाई करना पड़ेगा तो अभी ऑन होगा, तो इसमें ब्लूटूथ करके आएगा, ब्लूटूथ मोड
अब इसका आवाज सुन सकते हैं, ब्लूटूथ मोड आ चुका है। अगर मैं इसमें से चेंजेस करूंगा मूड को इसको, तो ये एफएम में साउंड आ गया, क्योंकि मैं गाना सुनने वाला नहीं हूँ गाइस आप लोगों को, क्योंकि गाना सुनने वाले से मेरा चैनल को कॉपीराइट हो जाता है, जो कि मुझे बहुत दिक्कत आता है बाद में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पूरा दिखा देता हूँ, ये आपको एफएम मोड। तो गाइस आप लोगों ने सुना एफएम क्लियरली आ चुका है, और मैं इसमें गाना नहीं सुनाऊंगा आपको, कनेक्शन सिर्फ दिखा रहा हूँ। और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आयर सेंसर है इसको कनेक्ट कर देना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर रिमोट काम करेगा। और आपका अगर स्विच को लगाना चाहते हैं सामने पर तो यहाँ से कनेक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट रिग को आपको यहाँ पर स्विच पर जोड़ देना पड़ेगा, तो आपका यह काम करेगा नेक्स्ट रिग। और पेन ड्राइव को चलाने के लिए यहाँ से कनेक्शन इसको देना पड़ेगा, तो आपका यह पेन ड्राइव भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन तो आपको आता ही है, सिर्फ आपको मेनली झंझट की बात आते है यहाँ पर ऑडियो किस तरह से आते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया वायरल को किस तरह से लगाना। ठीक है गाइस, तो ये मॉडिफिकेशन किस तरह से किया हो मैंने। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जो से कीजिए गाइस। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, तो चलिए मैं फिलहाल आज की वीडियो यहाँ से चला जाता हूँ।